माननीय सदस्य केदार हजरा जी, सरकार का उत्तर बोलिए। चलिए वही भेंट करेंगे आपसे हम लोग। चलिए अध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा ले लिए एक आदमी को बलि बढ़ा चढ़ा दिए। चलिए अध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा उत्तर मिला है और मेरा जो प्रश्न था वो था प्रखंड बनाने का, और यह सभा राज्य सरकार से स्तर करता है कि जमुआ विधानसभा के जमुआ देवरी प्रखंड को काटकर हिरोडी एवं नवडीहा को प्रखंड की दर्जा मिले। महोदय और सरकार से मांग भी किए थे प्रखंड बनाने का, ये लगातार यह प्रश्न हम विधानसभा में कर रहे हैं महोदय, और सरकार ने जो उत्तर दिया है उसमें वहाँ के उपायुक्त और DDC का प्रतिवेदन भी सरकार को मिला है महोदय, लेकिन सरकार ने जो उत्तर दिया है उसमें विभागीय संकल्प संख्या 54/95 दिनांक 16/10/15 में निहित मापदंड को कंडिका 1 प्रखंड सृजित हेतु आबादी कम से कम 1,25,000 एवं कंडिका 2 में पुनर्गठित प्रखंडों की में पंचायतों की संख्या कम से कम 18 हो के अनुसार प्रस्तावित हिरोडी एवं नवडीहा प्रखंड का सृजन हेतु अर्हता पूर्ण नहीं करता। लेकिन महोदय, DC साहब ने जो वहां से उत्तर दिया है उसमें एक हिरोडी में ये 17 पंचायत है और वहां की जनसंख्या 1,18,000 है महोदय, और भौगोलिक दृष्टिकोण से नवडीहा भी जो प्रखंड मुख्यालय से लगभग 25-30 किलोमीटर के दूरी पर है, तो नवडीहा को भी प्रखंड का दर्जा मिले वो लगातार ये मांग कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अगर राज्य में प्रखंड का निर्माण होता है तो हिरोडी और नवडीहा को प्रखंड बनाया जाए महोदय। माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य केदार हजरा जी का आज गैर सरकारी संकल्प जो आया है, जमुआ विधानसभा क्षेत्र के जमुआ एवं देवरी प्रखंड वो काटकर हिरोडीप और नवाडीप प्रखंड बनाने के लिए, और 2022 में उपायुक्त का पंचायत बनाने के लिए जो पत्र आया था उसमें हिरोडी पंचायत जो 17 पंचायत का है वो तो करीब करीब आ ही जाता है। एक जो दूसरा पंचायत नवडीहा, इसमें बहुत ही जनसंख्या कम है, फिर भी मैं आज इसके पहले कुछ माननीय सदस्य को नई प्रखंड के सृजन के लिए जो बात हमने रखी है मैं भी उनको आश्वस्त कराना चाहते हैं कि दोनों प्रखंड के लिए हम इसको दिखवा लेते हैं, और हमने कहा कि हाई लेवल का मीटिंग बहुत दिनों से नहीं हुआ है, इस बार हम लोग कराकर जहां तक हो सके, एक तो आपका क्लियर ही लगता है दिखकर, दूसरा को देखना पड़ेगा, हम करेंगे। बहुत समय नहीं लगे महोदय। दूसरा जो है नवडीहा वो महोदय प्रखंड मुख्यालय के बहुत दूरी पर है, और पिछले कई राज्य झारखंड राज्य में कई प्रखंड ऐसा बना है महोदय जो 5 पंचायत 6 पंचायत 8 पंचायत का है, इसमें 7 पंचायत है महोदय। अगर सरकार का इच्छा हो तो इस संकल्प को शिथिल करते हुए नवडीहा को भी प्रखंड का दर्जा मिल ले महोदय, ये मेरा आग्रह। आप वापस ले लिए, वापस ले लिए इसी आशा के साथ लेंगे। माननीय मंत्री महोदय एक बार बोल दें कि सर, पहले की बात अलग थी, 2015 में रघुवर सरकार ने इसको निरस्त कर दिया था और उन्होंने ही मापदंड बनाया था 18 पंचायत 1,25,000 जनसंख्या होनी चाहिए, फिर भी हमने कहा कि हम इसको दिखवा लेते हैं, भौगोलिक दृष्टिकोण लंबाई देखने के बाद अगर ऐसा कुछ हो सकता है हाई लेवल कमेटी में विचार करें, माननीय मुख्यमंत्री से भी आज भी बात हुई है, इसलिए आश्वस्त करते हैं कि हम इसको दिखवाने का काम करेंगे पार्लियामेंट चुनाव के बाद। ठीक है, धन्यवाद सर।
आपस ले लीजिए ठीक।